उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या को देखा, इरफान पठान और यूसुफ पठान को देखा। वैसे जो जोड़ी क्रिकेट की इस दुनिया में होती है, तो उसी तरह से ये मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम की सलामी भाई लोगों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके। अपना घरेलू मैदान है, कोना कोना जानते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, कितने रन इकट्ठा करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मैच शुरू होने जा रहे हैं। बॉलर आए बॉलिंग मार पर विजय मात्रे। विजय मात्रे की गेंदबाजी का सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे हैं रोशन पाटिल। इस टूर्नामेंट के खुद आयोजक करता है, जो पहली दफा गेंद को खेलने के तैयार है, और रोहित पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे राइट अमोर द विकेट। मैंडेटरी पावर प्ले की पहली गेंद, जोरदार हिट करने गए थे, गुडलेन स्पॉट के ऊपर यह गेंद थी, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। पहली गेंद की शुरुआत हो गई है वो डॉट गेंद के साथ हो चुकी है, यानी कि एक शॉट थर्ड मैन है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, ऑफसाइड के ऊपर, ऑनसाइड के ऊपर एक लेग स्लिप है, एक शॉट स्क्वायर लेग के मिड ऑन है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। दूसरी गेंद एक बार फिर से देखिए, टप्पा थोड़ा सा आगे फेंका, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। जिस तरह से घातक गेंदबाजी चल रही है, इस गेंदबाजी के तौर के ऊपर रोशन पाटिल जैसे बल्लेबाज को उन्होंने बांध के रखा है। दो गेंदें खत्म हो चुकी विजय मात्रे की। विजय मात्रे तैयार है बॉलिंग मार पर। तीसरी गेंद ये उड़ाया, लेकिन कैच की संभावना क्या हो सकती है, पकड़ लिया लॉन्ग ऑफ फील्डर ने आकर वाइड एज मिड ऑफ के क्षेत्र में, और इसी के साथ देखा जाए तो शायद पहला झटका लगता हुआ और पहली बहुमूल्य विकेट रोशन पाटिल चले बैक टू द डगआउट। टीम का स्कोर है 0-1 विकेट के नुकसान पे, मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम का स्कोर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं अविनाश सूर्यवंशी, वन नॉन बैट्समैन। जैसे हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली साहब जी की जगह होती है, उसी तरह यहां मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम के बल्लेबाज अविनाश सूर्यवंशी की जगह है। तीन नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके रोहित पाटिल, पहली दफा गेंद को खेलने के तैयार है। बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को खेला दायरे के अंदर, दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया, पहला रन लिया और पहले रनों के साथ मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम का खाता ओपन हो चुका है। स्कोर है 1, एक रन एक विकेट के नुकसान पे। इस बार अविनाश सूर्यवंशी, विजय मात्रे इनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार है। ऑन साइड कवर और ये देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग गलती कर चुके हैं। कैच स्विन द मैचेस कहते कोई आप जानबूझकर तो नहीं छोड़ते, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन कैचेस पकड़ना चाहिए। जब तिसारा परेरा ने 3 रन पे रोहित शर्मा जी को जीवन दान दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है, इसलिए जीवन दान किसी को देने का नहीं है। इस बार ऑन साइड के ऊपर लेग स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, मगर मना कर दिया या अविनाश सूर्यवंशी ने। एक सिंगल मिलेगा, मैंडेटरी पावर प्ले पहला खत्म हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 3 रन एक विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदों का खेल अभी तक शेष है, यानी कि 4 ओवर की मैच अभी तक बाकी है। सैंडी पालकर जी और यहां सुनील जी तांडेल ये अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं इस मैच के लिए। द्वारकानाथ चोरगे साहब इस बार देखा जाए हमारे मंच के ऊपर है तीसरे अंपायर की भूमिका निभाने के लिए। हर्षद पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए हैं। 24 गेंदों का खेल शेष है, तमाम क्रिकेट के दीवाने क्रिकेट प्रेमी मौजूद है और आए हुए दर्शकों का स्वागत करना यह हमारा फर्ज है। और जो दर्शक YouTube के ऊपर मैच देख रहे हैं उनका भी हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। टॉस जीतने के बाद देवी दबाड़ा टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए यहां मंगेश इलेवन जीसीसी कॉपरेटिव टीम को न्योता दिया है।
थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ चलिए। 4:35 हो चुके घड़ी के अंदर और एक मुकाबला होने वाला है, वहां थोड़ी पाबंदी लग चुकी है, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। और अपील, उंगली खड़ी हो चुकी है, एसएस दो अंपायर जांच जरूर करके दूसरा रन पूरा कर दिया। अंपायर या लगभग देखा जाए स्क्वायर लेग अंपायर बातचीत करेंगे सैंडी पालकर जी। आउट खिलाड़ी। तो इसी के साथ लगभग देखा जाए दूसरा झटका, रोहित पाटिल चले बैक टू द डगआउट, दो रन बना के और 3 रन पे दूसरा झटका लगता हुआ मंगेश 11 जीसीसी कोपरुल टीम को। आते गेंदबाज या हर्षद पाटिल ने पहली सफलता खुद के लिए और टीम के लिए दूसरी सफलता है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, वैसा हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी हो चुकी है कि क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल सबसे ज्यादा बन चुका है। इस ओर की 5 गेंदें शेष है, 4 नंबर के बल्लेबाज पहुंचे नितिन पाटिल, बस गार्ड लेके कह रहे मिडल के गार्ड ले रहे हैं। नितिन पाटिल के लिए हर्षद की गेंद, टॉस जैसी गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर दिशा देने गए थे, मगर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ नितिन पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया और यह मंगेश 11 जीसीसी कोपरल टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंच चुका है 4 के घर में। 4-2 विकेट नुकसान पे सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके रोशन पाटिल और रोहित पाटिल। अगली गेंद हर्षद पाटिल की, ये बहुत अच्छी तेज रफ्तार से गेंद क्या फेंकी देगी है, मुझे तो इस बार देखा जाए ग्लेन मैकरा की याद आ गई, ऐसे ही गेंद ग्लेन मैकरा फेंकते थे और अपने पास वेरिएशन लाइंथ लेंथ और अचूक टप्पा हो जाए वह गेंदबाज इस 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर सक्सेसफुल बन जाता है। अच्छी गेंद, थोड़ा रन अप चूका हुआ है और क्रिकेट में यह होता ही रहता है। स्ट्राइक के ऊपर आ चुके अविनाश सूर्यवंशी जो 1 रन पे खेल रहे हैं, 2 झटके लग चुके हैं मंगेश 11 जीसीसी कोपरल टीम को। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, ये फंबल हो गए, थोड़े से खराब से रक्षण हुआ मगर 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। 2 रनों के साथ मंगेश 11 जीसीसी कोपरल टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। आप थोड़े बोलते रहे, बोलते हैं ना तो मजा आता है, व्हाट्सएप के ऊपर क्या है वही ना रात में बात करेंगे हम। छह रन बन चुके हैं और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर जोरदार हिट करने गए थे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था, स्कोर पहुंच जाए 6 के घर में। थोड़ी सी चोरगे साहब हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है, हम है ना हंसाने के लिए, हंस के ही रहने का यार, दुनिया तो अलग बन चुकी है, भरोसा है किधर किसी का। ये देखिए थोड़े से बैकफुट पर गए, गेंद को स्पेयर कट करने का प्रयास किया था, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद यह स्कोर बोर्ड है थोड़ा सा रुक गया है, मंगेश 11 जीसीसी कोपरुल टीम का स्कोर पहुंचा है यहां 6 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुके, 18 गेंदों का खेल शेष है।
लोग पूरी तरह से इस विधायक ट्रॉफी 2021 का आयोजन हमारे आयोजककर्ता रोशन पाटिल साहब, उनके सभी सदस्य, उनके दोस्तों ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर यह आमदार ट्रॉफी 2021 का बोलबाला, 2022 का बोलबाला काफी जबरदस्त चल रहा है। यकीनन के साथ अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है और इस हालात में दो ओवर खत्म हो चुके, दो विकेट बाहर गए, कोई बाउंड्री नहीं आई, कोई छक्का नहीं आया, लेकिन 18 गेंदों में कुछ ना कुछ करके बल्लेबाजों को आक्रमण करना है, बल्लेबाजों को रन इकट्ठा करना है, विकेट हाथ में कोपरोली के, लेकिन सेट बल्लेबाज अभी तक मैदान के अंदर मुझे देखने को नहीं मिल चुके। रनों की गति बढ़ाना चाहिए। दो ओवर में गेंदबाजी देविता पाड़ा टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। बॉलर आए अपने कोटि की, इसी बीच देखा जाए पहली पारी की तीसरी ओवर लेके राकेश पड़ेकर की ये थोड़ी सी पीछे थोड़ी सी गेंद थी, इसे डीप पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी चल रही है अभी तक इस ओवर की, 5 आने वाले 12, टोटल 17 गेंदे बाकी है। ये थोड़ी सी सैंडी बलकर साहब जी ने इशारा दिया, व्हाइट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गई है। इस बार ये गेंद खराब साबित होने के बाद एक अतिरिक्त रन मिली मंगेश 11 जीसीसी कॉर्पोरेट टीम को, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 के घर में। अगली गेंद, इस बार ये देखिए बल्लेबाज पूरी तरह से याद, देखा जाए जो नितिन पाटिल है जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 1 निकटता किया है, बांध के रखा है ऑफ साइड के ऊपर, उन्हें खेलना चाहिए लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेलने जा रहे, टप्पा लाइन देखनी चाहिए। इस बार घुमा दिया, सामने लगा दिया, गई गेंद ब्लैक स्क्रीन के सामने, जो हमारा कैमरामैन है उसे कहने के लिए अच्छी अपनी क्लैरिटी देखने को मिल चुकी है। वेरी गुड, 4 रन के बदले स्कोर पहुंच जाए 11 के घर में, यही होना चाहिए। पहला 4 इनिंग का कदमों का प्रयोग किया था लेकिन देखिए कोई फायदा नहीं हुआ है। गेंद ना रफ्तार के साथ फेंकी, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ। 4 गेंदे खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल शेष है। राकेश पड़ेकर, इस बार वाइड गेंद, थोड़ी सी गेंद दिशा से भटक गई है, सैंडी पालकर जी ने उसे वाइड घोषित किया, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा 12 के घर में। पांचवी गेंद, मोर्थ विकेट, ये उड़ाया 6 रन, टाइमिंग बेमिसाल स्ट्रोक, डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गगन तमाम छक्का, क्या स्ट्रोक को खेला, यही उम्मीद थी, आशा थी कि बल्लेबाजों के बल्ले से ऐसे स्ट्रोक आना चाहिए तो पब्लिक भी खुश जाती है, कमेंट्री सुनाने में मजा आता है। लेकिन जिस 2 ओवर में अभी तक 4 गेंदों के अंदर बल्लेबाजों को बांध के रखा था, ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार इस बल्लेबाज ने मौका लिया और डीप स्कोर के ऊपर शानदार छक्का लगा दिया। 18 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे कॉर्पोरेट टीम का स्कोर। इस बार यह थोड़ी गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी, अच्छी लाइन लेंथ पकड़ लिया, छक्का मारने के बाद इस बल्लेबाज को इस बॉलर ने मिस किया। 3 ओवर खत्म हो चुके, 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां मंगेश 11 जीसीसी कोपरोली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 18, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल शेष है। पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है, खिलाड़ी पानी पियेंगे उसके बाद तंदुरुस्त हो जाएंगे, उसके बाद खेल कैसा होगा, खेल में मजा आ जाएगी कैसी, कितने बॉलर कितने रन देंगे, दोनों बल्लेबाज किस तरह से लगभग देखा है शानदार रन इकट्ठा करेंगे, वक्त बताएगा। भैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपत बुवा पाटील यांच्या स्मरणार्थ व श्री गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली
यांच्या तर्फे आयोजित 12-12 आमदार चषक 2022 हे दमदार आयोजन तुम्ही सर्वजण पाहत आहात। दो ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल शेष है। बॉलर आए अपने कोठे की, मुझे लग रहा है ये दूसरी ओवर होगी। गेंदबाज कौन है? विकास पाटिल अपने कोठे की पहली पारी की चौथी ओवर लेके 11 रन पे यहां नितिन पाटिल खेल रहे और 3 रन पे यहां अविनाश सूर्यवंशी खेल रहे। सूर्यवंशी स्ट्राइक के ऊपर है। सोमवंशी तो इस बार हवा में जरूर गेंद है, लेकिन यहां बढ़िया से रक्षण हुआ है। 2 रन मिल जाएंगे और 2 रनों के साथ अविनाश सोमवंशी जिनका स्कोर खुद का पहुंचा है 5 के घर में और टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 19 के घर में 20। 2 विकेट, 5 गेंदे शेष। ऑफसाइड के ऊपर 2 खिलाड़ी हैं, एक गली के क्षेत्र में, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक यहां शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है। जोरदार हिट कर दिया लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। एक मिलेगा दूसरा रन के संभव में और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, खूबसूरत तालमेल और इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचाए 22 के घर में 2-2 लॉस ऑफ 2। 4 गेंदे शेष, बगैर टाइम पास मैच जल्दी शुरू कीजिए। 9 बॉल का इशारा है जो मुझे लगा ओवर स्टेप है, तो अगली गेंद फ्री हिट की है। बल्लेबाज के पास एक सुनहरा टाइमिंग है, मौका है, फ्री हिट है तो फ्री हिट में बल्लेबाज के पास लॉटरी लग जाती है। शुरू से चपल हो गए, देखिए विकेट कीपर का उत्साह कितना था, लेकिन फ्री हिट है। भाई साहब तुम नहीं, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी कई बार हंसते थे, उसके बाद हम माइक के ऊपर बोलने के बाद तुरंत थोड़ा सा चेहरा निराश करते थे। ये होता ही रहता है। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिकेट का खेल बुद्धि और कौशल का है। जरूर आपको आनंद हुआ था लेकिन जो चल रहा है उसका बखान देना हमारा आद्य कर्तव्य है। 23 स्कोर, इस बार जोरदार हिट सामने लगा दिया है लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, 1 रन मिलेगा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण हुआ, जो क्षेत्र रक्षक मौजूद थे संजय सुजल मात्रे जिन्होंने बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा या मंगेश 11 जीसीसी कॉर्पोरेट टीम का स्कोर 24 के घर में। उर्ध विकेट एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर, 1 रन चुरा लिया, दूसरा लेने की तैयारी में थे मगर 1 ही रन मिलेगी और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 25 के घर में। शानदार तरीके से ये जानदार कौन है अगली गेंद, इस बार हल्के तो टैप किया है, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन की तैयारी में, इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ अविनाश सोमवंशी व्यक्तिगत पहुंच चुके मेरे हिसाब से यहां 10 रन पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। मंगेश 11 जीसीसी कॉर्पोरेट टीम का स्कोर है 27 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद शेष, जोरदार हिट लेकिन लॉन्ग ऑफ, अरे पकड़ लिया कैच, विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। 10 रनों की पारी अविनाश जी की खत्म हो गई है और 27 रन पे मंगेश 11 जीसीसी कोपरोली टीम को धचका लगा। 3 विकेट मैदान से बाहर गए हैं। पारी की 6 गेंदे शेष,
इनके श्लोक और शेष है, डेथ और है, इस डेथ और में कितने रन इकट्ठा करेंगे ये तो वक्त बताएगा। एक बाउंड्री आई, एक छक्का आया, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा हिट नहीं आया है, इसका मतलब गेंदबाजों ने कितनी किफायती गेंदबाजी साबित की, कितना पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, कितनी धार दिखाई, और अपने वेरिएशन के तौर के ऊपर उन्होंने बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया। आखिरी गेंदबाज है विजय मात्रे, यानी कि आरंभिक गेंदबाज, ये स्लॉग ओवर फेंकने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहला ओवर फेंका, पहले ओवर में 3 रन देके उन्होंने एक सफलता हासिल किया था। वही एक स्टैंडरमैन गेंदबाज आए हैं, एक अच्छे आरंभिक गेंदबाज आए हैं पारी का स्लॉग ओवर फेंकने के लिए। नितिन पाटिल स्ट्राइक के ऊपर 40+ बॉलर है और इस बार जोरदार हिट करने गए थे स्टंपिंग, नहीं अब तो मुझे ले बैकअप के लिए नहीं थे क्योंकि लंगवान खिलाड़ी बहुत दूर थे, इसलिए जाना देखा संजय मात्रे जी ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं इस बार स्टंपिंग करने की, जाने दो। उन्होंने 1 रन दिया और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचाए 28 के घर में। पप्पू पाड़वी स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर से, इस बार देखिए कारपेट के जरिए गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन चुरा लिया थ्रो आते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर, दूसरे रन के लिए पहुंच चुके। 2 रनों के साथ देखा जाए तो मंगेश 11 जीसीसी कोऑपरेटिव टीम का स्कोर पहुंच चुका है 30 के घर में, 30-3 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदे शेष। पप्पू पाड़वी स्ट्राइक के ऊपर है, 1-2 बड़े हिट आना चाहिए, लेकिन उतने घातक गेंदबाज है, एक्सपीरियंस जिनके पास है वो गेंदबाज विजय मात्रे। तीसरी गेंद विजय मात्रे की, फुल टॉस जरूर गेंद थी, अपील की थी, लेकिन ये थोड़ी सी बॉल है ऊपर हो चुकी है, लेग बाई का इशारा अंपायर सैंडी पालकर जी का। 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 31 के घर में 31। तीन गेंद शेष, सुंदर क्रिकेट चल रहा है, विदाई ट्रॉफी 2022 का आयोजन कोपरेली गांव में। ये उड़ाया, इस बार देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद को क्रॉस बैट से लिया और गेंद सीधी भाग गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद, आ मिल गई इस गेंद के ऊपर आधा दर्जन रन और 6 रनों के साथ बहुत लंबे टाइम के बाद ये छक्का देखने को मिल चुका है और 6 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर है 37। 37 स्कोर पहुंच चुका है, 2 गेंदे शेष है। साईप्रीत लाइन के माध्यम से आप इस विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन को देख सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो, और जो हमारे आंखों के सामने जो हमारे उपस्थित दर्शक है उन सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत आभारी हूं, आपका स्वागत भी कर रहा हूं। इस बार बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई है मगर 1 मिलेगा जैसा भवरा और ये रनर का मौका, ये देखिए इन्होंने पॉपिंग क्रीज छोड़ी तो बल्लेबाज ये आउट है, यानी कि पप्पू पाड़वे मैदान से बाहर आए हैं। होता है एक बार संदेह में हमारी गलती आप माफ कीजिए, एक बार तुम्हारी गलती आप माफ करिए, क्योंकि हम अंपायर तुम हम एक बैच के आदमी है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है, हम इकट्ठा रह सकते कोई टेंशन नहीं। लेकिन या इसी बीच पारी की अंतिम गेंद शेष, 29 गेंदे खत्म हो गई है, 30वीं गेंद है, यानी कि इस ओवर की अंतिम गेंद है। दोनों भाई मैदान के अंदर है, बिल्कुल जो हमारे डीजे भी है वो भी उनके भाई है, क्या धमाका आएगा, डीजे तो नहीं लगेगा। और इसी बीच यहां देखिए रन आउट का मौका हो सकता है क्या, खिलाड़ी आउट,
और इसी के साथ ये इनिंग खत्म हो गई। निर्धारित 5 ओवर में मंगेश 11, जीसीसी कोपरोली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 38 और जीतने के लिए 39 रनों की 39 रनों की जरूरत है देवीचा पाड़ा टीम को। क्या क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट खेल ही ऐसा है। तो छोटा सा टारगेट है, डरो मत दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता हो। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं और उसके बाद माइक्रोफोन के ऊपर रिवाल जी मारते आएंगे। 1996 का साल था चोरके साहब, वेस्ट इंडीज के खिलाफ केनिया पहली मैच खेल रही थी और केनिया टीम वेस्ट इंडीज को आदर्श मान रही थी। इससे पहले इंग्लैंड के दौरे के ऊपर ब्रायन लारा साहब जी के पास मॉरिस ओडुम्बे ने कह दिया था कि आप मुझे एक सेल्फी दीजिए, तब मुझे यकीनन के साथ यह लग रहा था। ब्रायन लारा साहब जी ने कह दिया था मेरे पास टाइम नहीं है। 1996 के वर्ल्ड कप में केनिया पहली मैच खेल रही थी, 166 रन पे ऑल आउट कर दिया था। वेस्ट इंडीज की टीम दिग्गज थी, कर्टनी एम्ब्रोस थे, कोर्टनी वॉश थे, ब्रायन लारा थे, शिवनारायण चंद्रपॉल थे, रिची रिचर्ड कैप्टन थे, शिवनारायण जिमी एडम्स थे, ऐसी बहादुर टीम थी और वेस्ट इंडीज को लग रहा था आसानी से रन बनाएगा। उसके बाद 96 रन पे केनिया टीम ने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया और पूरा राउंड उन्होंने ग्राउंड को मार दिया। और उसके बाद मॉरिस ओडुम्बे सीधे ड्रेसिंग रूम में गए और ब्रायन लारा को कह दिया, जिस टाइम मैं आपके सामने ऑटोग्राफ मांगने के लिए आया था तब तुमने कह दिया था मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे पास टाइम है, आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये क्रिकेट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जीतने के लिए लगभग देखा जाए 39 रनों का टारगेट है। रिवाज जी मात्र तो जीत अर्जित करने के लिए 30 गेंदों में 39 रन चाहिए। मैंने थोड़ा सा इतिहास के पन्नों का किस्सा आपको बताया, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ऐसे कई इतिहास के पन्नों में जो कोई घटना होती है उसको याद करने के बाद तुरंत जिक्र होता है, आपके अंग में आ जाता है, इसलिए हमने बताया है। लेकिन सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके, 30 गेंदों में 39 रन चाहिए देवीचा पाड़ा टीम को। सर मैंने सही फरमाया ना वो बात, ब्रायन लारा को मॉरिस ओडुम्बे ने कह दिया था चलके जी मेरे पास टाइम है, आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं। मैच जीतने क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। अनिश्चितों का खेल क्यों कहा गया है, 1983 का विश्व कप जब 183 रन इकट्ठा किया था, वीरेंद्र जैन ने मारने की शुरुआत की ना, 83 की फिल्म देखो, कपिल देव साहब और मदन लाल की वाइफ वो मैदान छोड़ के पूरी तरह से वो चले गए थे, उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान मैच जीतेगा नहीं। उसके बाद मदन लाल जी की गेंदबाजी, कपिल देव साहब की गेंदबाजी जैसी चली और उसके बाद चमत्कार हुआ। 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता, लॉर्ड्स के मैदान से लाया, वेस्ट इंडीज को ब्रेक दिया। लेकिन आप कौन किसी को ब्रेक देगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मराठी का सुमधुर आवाज क्रिकेट की कहानी और रिवाल माधव साहब जी की जुबानी सुनिए। थैंक यू अमित जी। पहा इथे कमी धावा आहेत, परंतु कमी धावेंचं पाठलाग करत असताना राकेश पणेकरच्या बॅटमधून सरळ वाईडिश लॉंग ऑनला येतो, एक लॉंग हिट 6 धावांसाठी, खणखणीत षटकार। पहिल्याच चेंडूवर अगदी पवित्रा घेतला राकेश पणेकरनं आणि सरळ वाईडिश लॉंग ऑनकडे हा चेंडू खेळला, 6 धावांसाठी षटकार। गोलंदाजाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय गोलंदाज रोहित पाटील, आज घरच्या मैदानावर खरं तर जेवढा चांगला वा साजेसा परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला नाही फलंदाजीतून, इथे गोलंदाजीतून मात्र चांगला कार्य करावं लागेल। एक धाव कंप्लीट, एक धाव मात्र चित्त्याच्या चपळाईनं कंप्लीट झाली आहे। फलंदाज आपण पाहू शकाल राकेश आणि सुजय ही जोडी मैदानावर, देवीचा पाडा
निर्माण स्पोर्ट्स अपन पाहिलं आई गावदेवी देवीचा बडा अनेक संघ आणि त्यांच्या संयुक्त विद्यमानाने देवीचा बडा गावमध्ये एक स्पर्धा काही दिवसापूर्वीच संपन्न झाली आहे आणि आज तो संघ मात्र इथे दूरवर अंतरकपात येऊन खेळतोय. पाहुणे संघ विरोधात अर्थातच घरच्या मैदानावर हा घरचा संघ मंगेश 11 GCC कोप्रोली संघ. रोहित सहा चेंडू इथे मात्र दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून एखाद्या सुईमध्ये जसा धागा रोवावा त्याच पद्धतीनं गॅपशॉट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला हा मारतोय खणखणीत चौकार. एक षटकार राकेशनं मारला त्यानंतर मात्र चौकार पाहायला मिळाला सुजयच्या बॅटमधून आणि या फर्स्ट पॉवर प्लेजमध्ये सर्व धावा वसूल करायची काय हे मात्र त्यांनी पवित्रा उचललाय. रोहित चांगला गोलंदाज आहे रोहित पाटील. हा मात्र रूम बनवली पुन्हा एकदा बॅकफूटला गेला आणि सरळ डीप कव्हर पॉइंटला लगावतोय आणखी एक चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे एक षटकार दोन चौकारांच्या मदतीनं 15 आकड्यावर. करायचे आहेत फक्त 39 धावा. लो स्कोरिंगचा मॅच आहे. हा चेंडू सरळ बॅटने गेला स्टेट ड्राईव्ह बॅक टू द बॉलर क्षेत्ररक्षक आहे उभा. एक मिळेल फक्त एकच धाव. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर वाढत असताना 16 आकड्यावर जाऊन पोहोचली 39 धावा. पॉवर प्लेचं षटक आहे. या दोन पॉवर प्लेमध्ये खरं तर कोप्रोली संघाला या फलंदाजांना जखडून ठेवणे फार गरजेचं होतं परंतु तसं घडलं नाही. या खेळपट्टीवर राकेश पणेकरची बॅट मात्र पूर्णपणे चमकली. हा चेंडू थोडासा बाउन्स दिलाय फर्स्ट आणि इथे डॉट बॉलची समाप्ती. राकेश अशाभूत नजरेनं पाहत राहिला. राकेशला वाटत होतं कदाचित हा वाईड मिळेल पण थोडासा या ठिकाणी अशाभूत नजरेनं पाहिलं होतं परंतु पंचांचा कोणताही इशारा आला नाही आणि डॉट बॉलची येथे समाप्ती झाली. धावसंख्या धावफलकावर पहिल्या षटकाचा मात्र वाजवी खेळ समाप्त झाला आणि 16 धावा 16 रन्स ऑन कम्प्लीट स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओव्हर नो एनी विकेट कुठल्याही प्रकारची सफलता नाही आणि 16 धावा करायचे आहेत. आता मात्र उर्वरित 4 षटकामध्ये अर्थातच 24 चेंडूमध्ये 23 धावा म्हणजेच चेंडू जास्त आणि धावा कमी. एक चेंडू जास्त आहे इथे मात्र गोलंदाजांना आता परिश्रम घ्यावा लागेल. गोलंदाजांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल आणि तिथूनच तुम्हाला या मॅचमध्ये परतण्याची खरं तर नामी संधी मिळेल. गोलंदाजांवर सर्व निर्धारित असेल परंतु दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर देवीचा बडा जे फलंदाज जे डावखुरा आणि उजवा जे कॉम्बिनेशन आले ना ते मात्र मी म्हणेन या गोलंदाजांना कुठेतरी अडथळा निर्माण करून देणार आहेत. क्षेत्ररक्षक देखील इकडून तिकडे तिकडून इकडे सारं विवरचना वारंवार त्यांना बदलावी लागेल. गोलंदाज दुसऱ्या क्रमांकावर येते गोलंदाज मंगेश ठाकूर. मंगेश ठाकूरचा हा चेंडू असेल दुसरा. हा चेंडू आडव्या बाटने खेळला चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक आहे उभा परंतु एकच धावेवर समाधान मानावं लागले. चांगला चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षकानं अडवलाय. मिळेल एक धाव. एका धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर वाढत असताना 22 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे येणाऱ्या 23 चेंडूमध्ये. मंगेश 11 GCC कोप्रोली संघ खेळतोय. हा चेंडू सरळ बॅटने केला राकेश पणेकरनं नो मॅन्स लँड एरियामधून चेंडू जातोय खरं तर लॉंग ऑफ एरियाकडे वन बाउन्स सीमा पार 4 रन. 4 धावा वाढतायत. राकेशनं व्हेरी फर्स्ट बॉलवर खरं तर एक षटकार टोकला त्यानंतर राकेशला खरं तर पुन्हा एकदा इथे दुसऱ्या षटकामध्ये संधी मिळाली आणि त्या दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर देखील चौकार टोकतोय. रिव्हर्स स्वीप स्विच इट देण्याचा प्रयत्न केला परंतु यश मिळत नाही आहे. डॉट बॉलची समाप्ती धावसंख्या धावफलकावर जर बघितली ना एकूण तर आपण पाहू शकाल 21 धावा. कोप्रोली संघ खेळतोय. मंगेश फडकेला फार मिस करत असतील कारण कोप्रोली संघाचा हा एक बॅकबोन होता एक तारणहार होता मंगेश फडके. आज आपल्यात नाही आहे परंतु याच्या आठवणी नक्कीच आपल्यामध्ये आहेत आणि त्यांचा संघ खेळत असताना हा डिपेस्ट कव्हरला राकेश पणेकरनं लगावलेला पहा तिथे अडवण्याचा प्रयत्न करतोय क्षेत्ररक्षक मात्र यश त्याला मिळालंय नक्कीच. तोपर्यंत पळून काढल्या 3 धावा. या 3 धावेनं संघाची धावसंख्या धावफळकावर पाहायला मिळते ते एकूण आपण बघितले तर 2 षटकात अर्थात दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर काही चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 24. मंगेश फटकेची आठवण या संघाच्या वतीनं 7-9 या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील होते कारण खरं तर एक आठवण देऊन गेलाय तो परंतु अनेक क्रिकेटच्या माध्यमातून
इथे मिळते एक धाव शॉर्ट पॉइंटला एक धाव मिळाली आहे एका धावेनं संघाची धावसंख्या 24 या आकड्यावर अर्धा पल्ला तर मी म्हणेन जवळजवळ 25 धावा म्हटलं तर अर्धा पल्ला पूर्णपणे गाठला या संघानं देवीचा पाडा देवीचा पाडा MRDC परिसरातील आज टोंडरे संघाला आपण पाहिलं देवीचा पाडा संघ विचार केला तर त्या परिसरातील हे संघ आज इथपर्यंत खेळण्यासाठी आलेत या षटक समाप्तीचा इशारा पंचांचा सचिन तांडेल पंचांच्या भूमिकेत सँडी पालकर ये दोन्ही पंच आणि या इशाऱ्यानं धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती दोन षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त 25 धावा आता उर्वरित 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज आहे अवघ्या मी तर म्हणेन 14 धावांची 18 चेंडू आणि 14 धावा उद्या चार संघ आहेत मानगर उरण आणि ही दापोली चार टीम आहेत ना चार मधून तीन मॅच करंजडा चार टीम आहे ना करंजडा आहे विलास पाटील आहे नंदू फुलव्याचा नंदू विलास पाटील बैलपाडचा नंदू हा चेंडू नक्कीच शॉर्ट पिच होता पुल केलाय क्षेत्ररक्षक आहे आणि तिथे मात्र टिपला जातोय झेल पहिला ब्रेक थ्रू पहिली विकेट पहिली सफलता पंचवीस या धावसंख्येवर पहिला गडीबाद झालाय पहा देवीचा पाडा संघाचा पहिला गडीबाद नवीन फलंदाज मैदानात जातोय हर्षद पाटील गुड बॅटिंग खरं तर या भाग फलंदाजाचं कौतुक केलंय दोन चौकार टोकले त्यांना सुजयनं आणि आपल्या सहकाऱ्यांनी त्यांचं खरं तर टाळ्यांनं कौतुक केलंय टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्याचं स्वागत केलंय हा चेंडू राकेश पनेकरच्या बॅटमधून एक प्रॉपर टायमिंग देणारा फटका एक व्हेरी गुड शॉट जबरदस्त टोला आमदार चषकातला ब्रँडेड सिक्सर आणि यश सहा धावेनं आता सामन्यातलं जर समीकरण बघितलं तर अगदी चेंडू कमी आणि म्हणजे चेंडू जास्त आणि धावा कमी म्हणजे चेंडू झाले दुप्पट 16 आणि धावा करायच्या आहेत 8 आडव्या बॅटने केल्यानंतर प्रयत्न केला राकेशनं अर्थातच शॉट मिडविकेटला आहे तुतुमयमय झालं होतं परंतु तरी देखील दुसरी धाव पूर्ण दोन धावा पूर्ण झाल्या दोन धावेने संघाची धावसंख्या वधारत असताना आता करायचे आहेत फक्त 6 धावा विजयाचं लक्ष गोलंदाजाच्या भूमिकेत आपण गोलंदाज नितीन पाटीलला पाहतोय अनेक वर्षांचा नितीनला देखील अनुभव आहे अष्टपैलू कामगिरी करत असतो पण आज घरच्या मैदानावर तर निराशा झाली आहे आपल्या प्रेक्षकांची हा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने केला विजयी फटका राकेश पनेकरच्या बॅटमधून वाईडिश डीप मिडविकेटला येतोय हा कणकणीत षटकार